और क्या हाल चाल। ठीक, तो आज हम ड्रॉ करने वाले हैं थर्ड एपिसोड में। ये पार्ट थ्री है, मतलब हमारे सीरीज़ का शेडिंग ट्यूटोरियल पार्ट थ्री। तो इसमें हम ड्रॉ करना आपको सिखाऊंगा किस तरीके से अच्छे से पूरा फिनिश कर दें हेयर बियर्ड को। तो अभी ये देख सकते हो, जैसे कि मैंने 2B पेंसिल यहाँ पे लेके अभी जो मेरा टोन है उसको शेड कर रहा हूँ, और कहीं कहीं 12B पेंसिल यूज़ करके डार्क भी कर रहा हूँ। तो ये हमारा प्रोसेस जो डार्कनेस और लाइटनेस का रहेगा पूरे लास्ट तक फिनिश होने तक चलेगा। और ये यार बहुत डिफिकल्ट होता है, जब फ्री हैंड में आप ड्रॉ करते हो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे पता है यार। बिगनर हो तो खास करके आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। मेन चीज़ जब आप ड्रॉ करोगे ना, तो उसमें आपको जो है एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करना है। फोटोग्राफ में क्या ऑब्जर्व करना है पता है, उसमें ऑब्जर्व करना है किस तरीके से, किधर पे डार्क है मेरा, किधर पे लाइट है। वो अभी पूछोगे किस तरीके से करेंगे, वो आपको कैसे होगा मैं बताता हूँ कैसे होगा। वो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर एकदम शुरू में आप हो, मतलब जैसे नॉर्मल बिगिनर हो, तो आपको करना रहेगा यही कि किस तरीके से रेफरेंस ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्व में बेसन मतलब ऑब्जर्व एकदम अच्छे से समझो कहाँ पे क्या है, डार्कनेस कहाँ पे है, कहाँ पे लाइटनेस है। ये सुनने में तो बहुत आसान लगेगा और मुझे बोलने में बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि शुरू में भी नहीं कर पाता था। तो आपको डिफ़िकल्ट होगा मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूर हो जाएगा। 2-3 बार जाके तुरंत प्रैक्टिस कर लोगे तो गारंटी है मेरा काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे बीएड के लिए मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ किस तरीके से। तो ये टिप जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना, जो भी लाइन रहता है ना वो मतलब बीएड के नीचे वाला, उसको आपको एकदम नीचे नीचे वाला उसको ज़रूर आप ड्रॉ करिए, तभी आपका बीएड जो रहेगा रियलिस्टिक दिखेगा। और बीएड के जो अंदर का एरिया रहता है एकदम डार्क नहीं रहता, उसको ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं लाइट रहता है कहीं कहीं डार्क रहता है। तो आपको शुरू में करना क्या है, जैसे कि मैंने बेस लेयर एक चढ़ाया था उसको चढ़ा देना है, और उसके बाद आपको कोई डार्क पेंसिल लेना है। डार्क पेंसिल जैसे देख सकते हो मैं डार्क कर रहा हूँ, डार्क करना है। और जो ऊपर का लाइन रहता है बीच में, पहले नीचे से लेकर ऊपर तक आप डार्क कर लीजिए, और उसके बाद जो ऊपर के एरिया बचेंगे जहाँ पे आपको एक एक बाल एकदम अच्छे से दिखेगा, ऐसा लगेगा बहुत सारा बाल है, वहाँ पे आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको HB पेंसिल लेना है, वहाँ पे एक एक लाइन जो रहता है उसका, वो आपको ध्यान में नहीं रखना, डायरेक्शन देखना किस तरीके से कहाँ पर गया है, वो डायरेक्शन के हिसाब को आपको बीएड पे लाइन लगा लेना है। बस इतना सिंपल सी बात है और ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में तो काफ़ी अच्छे से नहीं होगा मुझे पता है, बट आपको करना क्या है वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। आप 10 दिन भी करोगे यार, मेरे कंटिन्यूसली अगर 10 दिन कर लिए तो मेरी गारंटी मानिए आपका काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने पीछे जैसे कि बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़, एकदम ध्यान से सुनिएगा। बेस लेयर आपको चढ़ाना है एक 2B पेंसिल का चढ़ाना, उससे ज़्यादा HB पे नहीं जाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सो 2B पेंसिल सिंपल सी है, डार्क पेंसिल से डार्क करना है, और जहाँ जहाँ पे आपको एकदम अच्छे से लाइन दिखता है जिस चीज़ का, वहाँ पे आपको लाइन से लगा देना है HB पेंसिल को यूज़ करके। उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर आपका पोर्ट्रेट जो है किसी और डायरेक्शन में जाएगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डार्क पेंसिल आपके पास होना ही चाहिए, जो कि बोलते हैं कि डार्क बिना पेंसिल का भी आप खाली 3B 4B पेंसिल से, तो मैं बोलूँगा नहीं होता यार। हाँ होगा अगर अच्छा पेपर है तब, पेंसिल से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, पेपर से भी पड़ता है, लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास डार्क पेंसिल और एक नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर रहना चाहिए, बहुत ब्रश्ड क्वालिटी का नहीं, थोड़ा अच्छे में ले लेना, तभी आपको अच्छे से स्केचिंग कर पाओगे। अगर थोड़े अब ऊपर लेवल के हो, एकदम बिगिनर हो तो बात अलग है उनका, एकदम ज़्यादा बिगिनर है शुरुआती है। तो यहाँ पे जो मैंने बोला जो चाहिए, तो आपको बेस लेयर आपको चढ़ाना है 2B पेंसिल से, फिर उसके बाद 12B पेंसिल या फिर कोई भी आपके पास जो पेंसिल डार्क हो, 8B तक तो रहना चाहिए डार्क पेंसिल, उससे पीछे नहीं रहना चाहिए अगर सस्ते ब्रांड का आप ले रहे हो तो। तो यही सब है, आप देख सकते हो जैसे कि मैंने हेयर पे एक साइड तो मैंने वो कर दिया है, वहाँ पे देख सकते हो एक एक बाल को मैंने नहीं लेके चला है, बट डार्क कर दिया हूँ। जहाँ जहाँ हाईलाइट मेरे को दिख रहा है, हाईलाइट की जगह पे देख सकते हो मोटी मोटी लाइन लगा है, ये भी नहीं पतला पतला, और ना मेरे पास ना टोम्बो मोनो जीरो इरेजर है ना पेंसिल इरेजर कोई भी नहीं है यार, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का इसमें, बस इसमें यही करना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ पे मेरा गया है डायरेक्शन समझ लेना है, वहाँ पे लाइन मतलब नॉर्मली लाइन लगाना है, ये भी नहीं कि लाइन इसे घींच लेना है, जहाँ पे गया उसको सही थोड़ा लाइन रहना चाहिए, ये भी नहीं घींच दो कहीं पे भी। तो ये चीज़ समझना है। तो अभी देख सकते हो मैंने डार्क किया है, अभी इस पर एक दो लेयर और चढ़ाऊंगा हेयर्स पे ताकि और अच्छे से डार्क दिखे। तो यही सब आपको करना है, और ये नहीं कि मतलब एक लेयर चढ़ा दिया जैसे कि मैंने शुरू में, वैसा आपको पोर्ट्रेट दिखता है उस पर बहुत सारा लेयर देना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा लेयर देकर डार्क कर दो, एकदम डार्क कर दो ताकि हाथ से छू ना उस पर भी ब्लैक ब्लैक लग जाए, ऐसा डार्क करना है। बिगिनर्स यहीं पे डार्क नहीं करते, मिस्टेक कर देते हैं, इस वजह से उनका जो ड्राइंग रहता है काफ़ी ज़्यादा अलग ही दिखता है। तो आपको जो है एकदम ज़्यादा मात्रा में डार्क कर देना है, और लाइटनेस जो है उसको भी रखना है, और उसके बाद मिड टोन जो रहता है उसको भी रखना है। 3 टोन बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्राइंग में, ये रोल अदा करते हैं सबसे ज़्यादा
तीन टोन लाइट डार्क मिड, तो यही भी आपको काम करना है। ये नहीं बहुत सारे लेयरिंग बहुत सारे टोन जो होते हैं वो नहीं, आपके पास नॉर्मली पेंसिल का मैं बात करूँ तीन चार पेंसिल रहेगा हो जाएगा काम। जैसे कि हो गया 2B पेंसिल और एक डार्क पेंसिल से भी बना सकते हो, जैसे कि बहुत सारे पोर्ट्रेट 2B और 12B पेंसिल से बनाया है, फिर 10B पेंसिल से बनाया है, तो आप भी बना सकते हो, कोई बहुत बड़ा वो काम नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा पोर्ट्रेट फिनिश हो गया, मैंने इधर से हाईलाइट दे दिया है। तो अब मैं कोट को जो है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये नहीं कि एक चीज़ को मैं अभी डिटेल करने वाला हूँ, इस पर मैं नॉर्मली जो जो जहाँ पे साइड हो इसको क्रिएट कर रहा हूँ। वाइट जो देख सकते हो वाइट बीच में है वो देखो एक वाइट नहीं है, वाइट नहीं है, यही यहीं पर हमारा जो नजरे रहते हैं नॉर्मल बिगिनर्स के रहते हैं कहूँ तो वहाँ पर धोखा खा जाता है। तो यहीं पर आपको धोखा नहीं खाना है, यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है कहाँ पर डार्क, अभी देख सकते हो वहाँ पर डार्क भी कर रहा हूँ, शेड भी दे रहा हूँ, वाइट नहीं पूरा छोड़ूंगा तो भी, क्योंकि व्हाइट पेपर पर व्हाइट छोड़ देगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं। इधर पे फोल्ड वगैरह है, उधर पे भी देख सकते हो साइडों से इरेजर से बीच में जो हाईलाइट किया हूँ मैं। अभी यहाँ पे कोड पे जो है डायरेक्ट डार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझ नहीं रहा हूँ, डार्क पेंसिल को डार्क करके थोड़ा वाटर कलर ब्रश से इरेज कर दे रहा हूँ। तो बस ये सिंपल सा था, अभी देख सकते हो हमारा प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छे से फिनिश हो गया है। तो आउटलाइन मेरा ट्यूटोरियल देख लेना अगर आपको इस तरीके से मैच कराना है, वो भी फ्री हैंड, तो देख लेना जरूर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तीन दोनों पार्ट का। तो यहाँ तक देखने के लिए यार थैंक यू सो मच। तो अभी ये यहीं तक रखूँगा वीडियो, तो यहाँ तक देखने के लिए दिल से एकदम शुक्रिया कहूँगा यार, सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ तक आ गए हो तो करोगे ही, मुझे पता है। तो बाय बाय। सागर का फ़ोन आ गया यार।